बाहर पेड़ ही पेड़ है और इधर से ऐसा है और बहुत ज्यादा गर्मी है, जिसका नाम है वलारा वाटरफॉल। सब निकल जाएंगे, हम एक घंटा और लगेगा पहुंचने में। यार टाइम देख लो, 1:54 हो रहे हैं एंड हमारी बोर्डिंग है 4:30 बजे की। तो हम साथ में, हम यही बार आ गए थे फूड कोर्ट में। लॉन्च में तो यार हम लोग गए नहीं क्योंकि हमें एक्सेस नहीं मिल पाता, हमारे पास सारे डेबिट कार्ड है। ट्राई भी जो यहाँ पर पास में वो है ऐसा विस्तारा वाला लॉन्च है, तो अपन यही फूड कोर्ट में बैठ गए और पिज़्ज़ा खा रहे क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज। A few moments later. So यार अभी आप लोगों ने देख लिया, अपनी पेट पूजा हो चुकी है और हम बहुत देर से 45 मिनट से यहाँ से हो गए। तो हमारा गेट नंबर है 62, ठीक है, और ये लास्ट गेट नंबर ही है शायद। और अभी हम पहुँचे हैं 56 पर एंड मैंने दिखाया था कितने बजे हुआ था, आधा घंटा हो गया हमें चलते चलते। और हम सोच रहे हैं यार कहीं पे भी ऐसा स्लीपिंग वाला नहीं मिल रहा हम लोगों को, तो जो हम थोड़ा सा आराम से कमर सीधी कर लें। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल गुड एंड सेफ एंड आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो यार अभी अपन जा रहे हैं गेट पे, फिर आपको बताते हैं कि अपनी ट्रिप कहाँ की है यार, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ की यार, कहाँ जा रहे हैं। सो फाइनली हम अपने गेट पर पहुंच चुके हैं 62 और पूरा खाली पड़ा है। स्लीपिंग वाला नहीं है ना इधर, देख लेते हैं आगे। यार इधर सामने ना पूरा रनवे ही है बट ये अभी पूरा रिफ्लेक्शन ही दिखाई दे रहा है, मिरर का काम कर रहा है। बट ये जो सामने लाइटनिंग दिख रही है ना आपको, देखो रनवे है, कोई फ्लाइट आएगी तो दिखाऊंगा मैं। सो बैकग्राउंड देख रहे हो यार, हरियाली के साथ साथ विला है और रेलवे स्टेशन पे दिया है ये, पहले से देख ही रहे हैं, लास्ट व्लॉग में भी देखा था, एयरपोर्ट पे आ गए थे। सो यार अभी जो अपना बोर्डिंग का टाइम है अभी 1.5 घंटा है अपने पास, तो अपन बैठे हैं आराम से, देख लो बैग वैग हमने रख दिए हैं, ठीक है, यहीं पर ही बैठे हैं आराम से। एंड इधर हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि मतलब यहाँ लास्ट पॉइंट है, बेंच है और गेट भी पास में ही है अपना, और पीछे चारों साइड यहाँ पर पीछे जो अभी देखा था ना आपने इससे पहले रनवे ही है पास में, पर अभी रिफ्लेक्शन आ रही है अपना, खुद का मिरर का काम हो रहा है। और जो मेन चीज़ है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, हम जा रहे हैं केरला। यस वी आर गोइंग टू केरला। केरला में अपन जा रहे हैं दो जगह, मुन्नार एंड थेकडी, क्योंकि यार मेन बेसिकली केरला बहुत बड़ा है और केरला में काफ़ी जगह, बहुत जगह हैं घूमने के लिए। बट ऐसा था कि हमारे पास 5 दिन का ट्रिप है हमारा, और इस ट्रिप में ये है कि पांचों दिन भी हर जगह आप जा सकते हो, तो हमने ट्रैवलिंग ज़्यादा ना चूज़ करके दो जगह डिसाइड करी है, एक तो मुन्नार पहली और दूसरी थेकड़ी। तो अपन दो जगह जाएंगे और जितना हो सकता है उतना घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो आप लोगों को वैसे थंबनेल से भी पता चल गया होगा काफ़ी कुछ कि कहाँ का ट्रिप है, क्या ट्रिप है। एंड अभी फ़िलहाल अपने को 1.5 घंटा है, अब तो 1.25 घंटा है बोर्डिंग के लिए, तो थोड़ा यहाँ पर आराम से बैठे। और टाइम से यार हम वैसे इसलिए आ गए थे क्योंकि देखो लेट निकलते तो फिर घर पे भी सब जगह रहते, फिर वो भी लेट सो पाते, एंड ऐसे वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। फिर दूसरा रीज़न ये भी था कि घर से जैसे टाइम से निकल गए तो कैब भी अपना सही मिल गई, वरना तो लेट नाइट कैब भी कभी कभी दिक्कत करती हैं। और फिर फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से बॉर्डर भी काफ़ी बैरिकेड्स लगे हुए हैं, मतलब रात में 11:30 बजे निकल गए थे हम लोग, और गाज़ियाबाद दिल्ली बॉर्डर जो है वहाँ पर भी हमें जाम मिला आते टाइम भी 11:30 बजे, जो 10 बजे के बाद फ्री हो जाता है, एकदम खाली हो जाता है। तो ये अभी अपन वेट कर रहे हैं और फिर अपना व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, एंड अभी जब बोर्ड करेंगे आपको पता चलता रहेगा। तो यार पहले अपन बैठे थे उस बेंच पे, वहाँ से अपन ना, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा प्लांट सिर पर लग रहे थे। हाँ फ्लाइट जा रही है, हाँ ये जा रही है फ्लाइट, अब तो बड़ी तेज जा रही है एरोप्लेन, लगा है शायद या जाएगा जो भी है। मैं तो यहाँ पर बैठा हूँ चेयर पे, जहाँ पर ये चेयर्स है ना पूरी खाली है वैसे तो, एंड अपना हो रहा गेट नंबर 62, ठीक है। तो मैं यहाँ बैठा हूँ और अकेला ही बैठा हूँ,
और अकेले का रीज़न ये है कि मैडम जी को अपन ने लकीली हमें एक वहाँ पर स्लीपिंग वाली खाली मिल गई थी और मेरे को नींद आ नहीं रही थी, तो मैडम जी को नींद आ रही थी तो वो वहाँ पर लेटा दिया गया है। बैग्स भी वहीं पे ही हैं, तो मैं बैग्स वैसे यहीं से ही देख रहा हूँ। वैसे तो कहाँ ही जाएंगे, कोई लेके क्यों ही जाएगा यहाँ पर बैग्स, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। वैसे सबके बैग्स ऐसे ही रखे हैं सबके साइड में। और अपन, मुझे यार अभी नींद आ नहीं रही है, बस ये हल्की हल्की अभी आनी शुरू हो जाएगी और एक घंटे बाद तो कोई नहीं, फ्लाइट में सो जाएंगे। लो भाई, अब 15-20 मिनट में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड अपन को मिल गई है जगह। अब 15-20 मिनट मैं कमर सीधी कर लेता हूँ, फिर अपन सीधा फ्लाइट में, ठीक है। तो यार अपन लोग कोची एयरपोर्ट पर हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर आर कैब नाउ। एंड अभी हम लोग निकलेंगे। फिलहाल जो टाइम है 8:41 हो चुके हैं। अपने को हम 8:15 के आसपास आराम से लैंड हो गए थे और बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अभी कैब आने वाली है। फिर कैब आके हम लोग निकलेंगे कहाँ के लिए? मुन्नार के लिए। तो 5-10 मिनट में कैब आ रही है। फिर कैब क्या हो गया? नहीं कोई नहीं, वो आके कॉल कर देगा। A few moments later. So यार अभी हम लोग रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए एक, क्या नाम है इसका रेस्टोरेंट का, क्ले ओवन करके है। मैं भी दिखाता हूँ इस पर ना, मेन्यू पे लिखा हुआ है क्ले ओवन। बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, बढ़िया सा लग रहा है। अभी बैक कैमरा करता हूँ तो भी दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग कैब में भी सो गए क्योंकि जो हमारी ड्राइव है कोची टू मुन्नार वो है 3.5 से 4 घंटे की। सो यार ये ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने मंगा लिया है इडली और डोसा, यहाँ पर तो यही मिलेगा, और चाय और बोल देंगे। तो अभी भूख लग रही है बहुत तेज़, पहले खाएंगे फिर आगे निकलेंगे आराम से, क्योंकि ड्राइव यार टाइम लगेगा पहुंचने में। तो हमने यही डिसाइड किया पहले खा लेते हैं आराम से फिर निकलेंगे आगे। और ऐसा कुछ बढ़िया रेस्टोरेंट है यार वैसे तो, देखो बाहर पेड़ ही पेड़ है और इधर से ऐसा है, इधर ही पार्किंग है और उस साइड भी पार्किंग है। चलो खा लेते हैं फिर आगे निकलते हैं।
यार अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके तो आए थे एंड यहाँ पर एक टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है तो हम लोग भी यहीं पर रुक गए। हमने भैया से बोल दिया कि आप भी रुक जाओ, हम भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे। तो सामने ये छोटा सा वाटरफॉल है जिसका नाम है वलारा वाटरफॉल। तो ये हमने वैसे नेट पे भी देखा था एंड काइंड ऑफ टूरिस्ट प्लेस ही है, सारे टूरिस्ट ही रुके हुए हैं, सारी टैक्सियाँ ही हैं यहाँ पर। एंड अभी हम लोग थोड़ा फोटो शूट करेंगे यहाँ पे एंड फिर उसके बाद नहीं नीचे तो नहीं जा सकते, लो ये शेड्स रखो, फिर हम उसके बाद निकलेंगे होटल। यार अभी होटल के लिए और एक घंटा लगेगा हम लोगों को यहाँ से, तो आराम से जा रहे। ब्रेकफास्ट कर चुके हैं एंड अभी थोड़ा करेंगे फोटो सेशन। थकान है बट ये है कि बीच बीच में नींद पूरी हो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना कैब में सो जाते हैं, थोड़ा नैप ले लेते हैं, पावर नैप। अब जो भी नींद पूरी होगी होटल जाके होगी वो भी रात में। सो कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है दूर से देखने में। तो यार ये है कि यहाँ पर जा तो सकते हैं बट कोई बैक साइड से रास्ता है इसलिए उस साइड से जाने का अलाउड है। यहाँ तो ये है कि यहाँ से बस ये देख लो और खुश हो जाओ। तो हमने फोटो वगैरह क्लिक करवा ली है और अगर आप लोगों को फोटोज वगैरह देखनी है तो इंस्टा पे फॉलो करना पड़ेगा। तो इंस्टा पे फॉलो कर लेना, वहाँ पर आप हमारी अच्छी अच्छी फोटोज देख लेना हम कैसी कैसी क्लिक कर रहे हैं। एंड बस अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग क्योंकि गर्मी है भाई, अपन तो सर्दी में से आए हैं और मेरा यहाँ कोल्ड भी सही हो जाएगा पूरा अच्छी तरीके से। तो अभी बस सब निकल जाएंगे हम, एक घंटा और लगेगा पहुँचने में, फिर अपना पहुँच के आराम से थोड़ा फ्रेशन अप होके चेंज करके ब्लॉग अच्छे से बनाते हैं। चलो चलो चलो, ये एक चीज़ दिखाऊँ, मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं, हमें जो कैब मिली है ना उसका नंबर है 10-8। गाड़ी नंबर इज 10-9। हाँ, और अपनी का है 10-9।